आप महिला हो चाहे पुरुष हो, आपके सर पे काले घने रेशमी बाल हो, आपके स्कैल्प का हेल्थ अच्छा हो, डैंड्रफ ना हो, ये सभी को अच्छा लगता है। लेकिन वही दुख तब होता है जब समय से पहले बाल टूटें, झड़ें, पतले हो जाएं, गंजापन होने लगे, आपके सर में डैंड्रफ दिखने लगे, तो इससे कहीं ना कहीं इंसान का मनोबल टूट जाता है। आपको चुनिंदा कुछ ऐसे योग आसनों का अभ्यास बताऊंगी जिससे आपके सर में काले घने रेशमी बाल तो होंगे, समय से पहले अगर आपके बाल टूटते झड़ते हैं, गंजापन होता है, बालों में बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ होती है, तो वो समस्याएँ जो है धीरे धीरे छूमंतर हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो में बताए जाने वाले योग आसनों का अभ्यास निरंतर करते रहना है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नीचे घंटी का निशान जो दिख रहा है उसको दबा लीजिएगा सो दैट मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना किया करें। अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो जरूर वहां भी जाके फॉलो कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आइए आप सीखते हैं वो बेहतरीन चुनिंदा योग आसनों के अभ्यास। आज हम जितने भी योग आसनों का अभ्यास करेंगे उनमें हमारा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हमारे स्कैल्प की तरफ ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो, यानी ऐसे योग आसनों का अभ्यास जिनकी मदद से हमारे हेड रीजन की तरफ ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो। तो पहले योग आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है अधोमुख श्वान आसन, या इंग्लिश में इसको कहते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। कैसे करेंगे सिंपल सिखाती हूँ। इस तरीके से आपने वज्रासन में बैठना है और फिर ऐसे टेबल टॉप पोजिशन पर आ जाना है। इस तरीके से ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे जब आप आएं तो ध्यान रखें कि दोनों घुटनों के बीच में आपके कमर जितना फासला है, और दोनों हाथों को ऐसे मैट पर रखें जिससे कि आपकी कलाई, कुहनी और कंधा ये तीनों एक लाइन में हो। फिर उसके बाद आप सबसे पहले अपनी टी शर्ट जरूर टक कर लिया करें जब इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपने टो को टक करें। टो को टक करने के बाद आपने दोनों घुटनों को इस तरीके से ऐसे सीधा कर दें, दोनों पैर जो हैं एक दूसरे से दूर हैं और आपका दोनों पैरों के बीच में कमर जितना फासला है। फिर आप क्या करेंगे, अपने सर को दोनों बाजुओं के बीच में, दोनों बाइसेप्स के बीच में इस तरीके से ऐसे लेके जाएं और हेड को ऐसे डाउन कर दें, और यहाँ पर जितनी देर आप आसानी से होल्ड कर सकते हैं इस आसन को होल्ड करें और सर को ऐसे नीचे रहने दें। जब आप इस तरीके से आपने इस आसन को होल्ड करते हैं तो ब्लड फ्लो बहुत अच्छी तरीके से आपके हेड रीजन की तरफ होता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और फिर उसके बाद जब इस आसन का अभ्यास कर लें तो अपने घुटने को ड्रॉप करें और अपने एड़ी पर इस तरीके से बैठ जाएं और अपने हेड को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें। अगर आपका पेट जो है बड़ा है तो अपने घुटनों को ऐसे अलग करें और अपने हाथ को ऐसे स्लाइड करते हुए हेड को ड्रॉप कर दें और रेस्ट करें शशांक आसन में इस तरीके से। इसमें भी आपका ब्लड फ्लो आपके हेड रीजन की तरफ बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव होगा ऐसा। और अगर आपका पेट नहीं बड़ा है और आप आसानी से अपने घुटनों को ऐसे जोड़कर रेस्ट कर सकते हैं तो घुटनों को जोड़ लें और फिर उसके बाद अपने हाथ को इस तरीके से आगे की तरफ स्ट्रेच करें और फिर उसके बाद अपने हेड को ऐसे ड्रॉप कर दें। दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रहकर योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में हम एक घंटे की क्लास जूम के माध्यम से कंडक्ट करते हैं और इस एक घंटे में हम अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं जिससे कि आपके स्वास्थ्य में बेहतरी आए। आपको पता है मेरी जो एग्जिस्टिंग क्लासेस है उसमें जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत सी हेल्थ कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी की समस्या, रात में नींद ना आने की समस्या, सर्वाइकल, नी पेन, बैक पेन जैसी समस्याएं, ऐसी कई सारी समस्याओं में जब वो निरंतर योग का अभ्यास करना शुरू किए मेरी निगरानी में तो उनको अपनी हेल्थ कंडीशन में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है।
तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप सभी ये क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया, आप तो बिगनर हैं, फिर भी आप ये क्लासेस जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी कारण से ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो मैंने कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं। ये कोर्सेज आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। जब आप इन कोर्सेज को परचेस कर लेते हैं तो आपको आपके घर के ही कंफर्ट जोन में रह के इन वीडियोस को चला के अभ्यास शुरू कर देना है और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इम्प्रूव हो गई। और ये जो कोर्सेज हैं ये भी कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लासेस और कोर्स के बारे में और जानकारी कहाँ मिलेगी, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर मैंने जो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको क्लास और कोर्स के बारे में सारी की सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। अभी तो ये वीडियो देख लीजिए, फिर बाद में जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो इस आसन में भी आपको कम से कम 30 सेकेंड रहना है और फिर उसके बाद हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन या इसको इंग्लिश में कैमल पोज भी कहते हैं। तो उष्ट्रासन करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है कि अपने दोनों घुटनों के बीच में इस तरीके से ऐसे फासला करना है। कितना फासला करना है? अपने कमर जितना फासला, ऐसे जोड़ के नहीं रखना है, कमर जितना ऐसे आपको फासला करना है। और फिर उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे कमर पर रखना है और ऐसे खड़े हो जाना है। आप जब अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें ना, तो आपकी चार उंगलियां ऐसे बाहर की तरफ रखिएगा और अंगूठों को अपने स्पाइन की तरफ और अपने दोनों पैरों को ऐसे बाहर की तरफ ऐसे घुमा दीजिएगा। पहले अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास कीजिए। हो सकता है कि बहुत से लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी ना हो, मतलब इम्प्रूव ना हो, और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, बिगनर हैं, तो वो अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। ऐसे दोनों हाथों को कमर पर रखा और अपने शोल्डर को ऐसे रोल बैक किया ताकि चेस्ट ओपन हो जाए, अपने हिप को आगे की तरफ पुश करें और अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें, ऐसे इस तरीके से गर्दन पूरी खुली हुई हो, और ब्रीथ करें 5 4 3 2 1। और फिर वापस से अपनी एड़ी पर बैठें और अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करें और हेड डाउन करके फिर से रेस्ट करें शशांक आसन में। कुछ देर ऐसे रेस्ट करने के बाद वापस से आप उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे और इस बार अपने हथेलियों से अपने एड़ी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ना कर पाए तो कुछ दिनों तक अर्ध उष्ट्रासन का ही अभ्यास करते रहें। तो अपने घुटने के बल ऐसे खड़े हो गए, घुटनों के बीच में फासला करें और अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें, शोल्डर्स को रोल बैक करें, हिप को आगे की तरफ पुश करें, अपने गर्दन को ढीली छोड़ें। पहले चेक करें कि एक हाथ से एक पैर पकड़ पा रहे हैं क्या, ऐसा। और जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तब दूसरा हाथ से दूसरे पैर को ऐसे पकड़े और अपने हिप को आगे की तरफ पुश करें, गर्दन को ढीली छोड़ें। 5 4 3 2 1। वापस से अपने एड़ी पर बैठें और अपने हेड को ऐसे ड्रॉप कर दें। तो इस अभ्यास को आप कम से कम 3-3 बार रिपीट करें। इनफैक्ट हर एक अभ्यास को आपको 3-3 बार ज़रूर रिपीट करना है। मिनिमम आपको 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है और कुछ दिनों के बाद जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए तो 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक इसका अभ्यास बढ़ा दें। और जब 30 सेकेंड होल्ड करने में कंफर्टेबल हो जाए तो 1-1 मिनट तक हर एक पॉस्चर को भी होल्ड करके रख सकते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे शशांक आसन का। शशांक आसन के लिए अपने आप ऐसे वज्रासन में बैठ गए और वज्रासन में बैठने के बाद सिंपल आप बालासन में आ जाएं इस तरीके से ऐसे, और अपने माथे को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें। माथे को ड्रॉप करने के बाद अपने सर का ये वाला हिस्सा जो क्राउन एरिया है इसको आप अपने मैट पर रखें ऐसे, और फिर उठा दें। फिर अपने टो को टक करें और अपने पैर की एड़ी को पकड़ लें इस तरीके से ऐसे। हो सकता है कि आप अपने पैर की एड़ी को ऐसे ना पकड़ पाएं तो आप अपने काफ को पकड़ें और अपने हिप को इस तरीके से ऐसे उठा दें ऐसे ऐसे। अगर एड़ी को पकड़ सकते हैं तो एड़ी को पकड़ें, ना पकड़ पाएं तो फिर ऐसे इस तरीके से अपने काफ को पकड़ें, और बॉडी का वेट आपके क्राउन पर है।
और फिर रिलीज कर दें। रिलीज करने के बाद आप बाल आसन में आराम करें, दोनों हाथों को बॉडी के ऐसे साइड में रखें और ऐसे हेड को ड्रॉप कर दें, ऐसा। अगर ऐसा है कि आपका पेट जो है बड़ा है, हिप जो है बहुत टाइट है, तो आप अपने घुटनों को ऐसे अलग करके और फिर उसके बाद ऐसे हेड को ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है सर्वांग आसन, या इंग्लिश में इसको कहते हैं शोल्डर स्टैंड। तो शोल्डर स्टैंड करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर लेट जाना है आराम से, इस तरीके से, और अपनी टी शर्ट को पहले टक कर लेना है ऐसे, इस तरीके से। टी शर्ट को टक करने के बाद दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें और फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों को इस तरीके से ऐसे उठाएं, इस तरीके से, और फिर उसके बाद अपने दोनों कमर पैरों को उठाने के बाद कमर को उठाएं और कमर के नीचे ऐसे हाथ का सपोर्ट दें, इस तरीके से, और शोल्डर को अंदर की तरफ रोल करें और एल्बो को और अंदर लेके आएं और पैरों को ऐसे उठाते जाएं, ऐसे, इस तरीके से, और होल्ड करें। फिर उसके बाद जब रिलीज करना है तो अपने घुटने को माथे की तरफ लेके आए और फिर धीरे धीरे अपनी कमर को ऐसे ड्रॉप कर दें। जब आप सर्वांग आसन का अभ्यास कर लें तो इसके बाद आप मत्स्य आसन का भी अभ्यास कर लें, तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि सर्वांग आसन में आपका गर्दन जो है वो लॉक हो गया था, तो मत्स्य आसन में आपकी गर्दन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो कैसे करेंगे मत्स्य आसन का अभ्यास? मत्स्य आसन को इंग्लिश में फिश पोज कहते हैं। तो आराम से ऐसे अपने पैरों को जोड़ लिया और फिर उसके बाद अपने योगा मैट पर लेट गए, ऐसे, अपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखा और हाफ उठे, बॉडी का वेट एल्बो पर डाले, अपने चेस्ट को बाहर की तरफ ऐसे पुश करें और अपने सर के सबसे ऊपरी हिस्से क्राउन एरिया को मैट पर रखें, ऐसे, और चेस्ट को बाहर की तरफ रखें, ऐसे, और ब्रीथ करते रहें, 1, 2, 3, 4 and 5, और फिर उसके बाद रिलीज कर दें। इन आसनों के साथ साथ आपको हर रोज कपालभाति का अभ्यास जरूर करना है। तो आराम से इस तरीके से पालती मार के बैठ गए, दोनों हाथों को घुटने पर रखा, चिन मुद्रा लगा ली, आंखों को बंद किया और फिर उसके बाद अपने एक्सेलेशन पर ध्यान देंगे, कैसे तो हर दिन 3 से 5 मिनट कपालभाति का अभ्यास आपको जरूर से जरूर करना है। इसके बाद अब अभ्यास कर सकते हैं भ्रमरी प्राणायाम का। तो भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप अपनी इंडेक्स फिंगर को आँख की लिड पर रखें, मिडिल फिंगर को आँख के नीचे रखें, अपनी रिंग फिंगर को अपर लिप्स पर, लिटिल फिंगर को लोअर लिप्स पर, अपनी टंग को अपर पैलेट पर टच कर दें, अपने अंगूठे को कान के ऊपर रख के कान को बंद कर दें और 9 बार पतली भंवरे की आवाज़ निकालनी है, ना की साउंड निकालनी है, कैसे, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए सांस लिया और सांस छोड़ते हुए फिर से सांस लिया सांस छोड़ते हुए देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप इन योग आसनों का अभ्यास आपको बताया, जिसकी मदद से आपके बालों की सेहत जो है अच्छी होगी, आपके स्कैल्प में जो है ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। बस आपको करना क्या है, इन योग आसनों का अभ्यास निरंतर करना है ना, कंसिस्टेंसी इज द की।
तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक, तो आई एम श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी दोस्तों को भेज दें जिनको इसकी ज़रूरत है। मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एक एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। अगली किसी वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्ते।